150 वर्ष पुराना। बड़ाबद्रा स्थित जर्जर हुई लकड़िया पुल के जगह पर नगरवासियों की मांग पर नया पुल की स्वीकृति जिला प्रशासन ने प्रदान कर दी है, जिसकी जानकारी आरा विधायक डॉक्टर नवाज आलम ने दी। ठीक है, गरीबों मजदूरों के हमदर्द अनवर आलम साहब के प्रयास से जो बलबत्रा का लकड़िया पुल आजादी के समय से जो लकड़िया पुल था, जिस पर आज तक आजादी के 70 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उसी पुल से आना जाना किया करते थे यहाँ के लोग, उनको जो सौगात जो माननीय विधायक अनवर आलम साहब ने अपने प्रयास से जो दिलाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं यहाँ उपस्थित तमाम जनता की तरफ से इनको कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ की स्थानीय वार्ड पार्षद, हम लोग के घर की बहू बेटी यशोदा जी इस समारोह में उपस्थित है। विकास पुत्र डॉक्टर नवाज आलम और फरमान आलम साहब, प्रखंड अध्यक्ष मदन राय जी हमारे मित्र, नजदीकी लकड़िया पुल सुनते सुनते हम लोगों को जो है बच्चे से जवान हो गए। अभी तक ब्रिटिश काल का जो है हम लोगों का, चलिए जो है सौभाग्य हमको मिला कि ब्रिटिश जो है काल का बना हुआ लकड़िया पुल को हम लोगों ने जो है आरसीसी पुल बनाने का काम बीड़ा जो लिया था उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को कामयाबी मिली। इसके लिए मैं अपनी ओर से, आरा के जनपद की ओर से,
जो इसमें लगे हुए पदाधिकारी थे और जिन जिन लोगों ने सहयोग पहले किया हमें उस काम को करने में, चाहे असेंबली मेंबर हो, तमाम लोग जो है उसकी जो जो योगदान दिया उसके लिए, आप जैसे मीडिया के साथियों ने भी कुछ उजागर करने का काम किया, तो आपके चैनल के माध्यम से वैसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनका शुक्रगुजार हूं इसलिए कि आजादी के बाद जब से हम लोग ये स्कूलिंग लाइफ से देख रहे थे कि वो लकड़िया पुल के नाम से जाना जाता था और बहुत सारी कठिनाइयां थी, कई ऐसे मौके आए जिसमें हम लोग भी सदन के जब नहीं थे सदन के मेंबर तो उन सवालों को कहीं रखने का काम किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत बहुत सारे पुल बने, लेकिन जैसे शिवपुर के पास बना, उसके बाद आपको नया पुल में जो है भकुरा गांव में बना था, कई जगह ऐसा बना, लेकिन ये जो है शहर के बीचों बीच होने के बाद भी नहीं बन पाया था, इसके लिए हम लोग बड़ा चिंतित रहते थे। और उसमें मुझे लगा कि हम लोगों ने जिस तरह से उसकी प्रक्रिया को, उसमें कुछ अड़चन था कि वो रोड जो है पहला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की थी और पुल जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कभी कभी मदद करता था, मैंने जो है जिला परिषद के माध्यम से उसकी मदद रिपेयर होता था, तख्ता गिर जाता था, बदला जाता था, पुल का जो है ये हालत था कि कभी एमपी एमएलए कोई भी नगर निगम होता था तो उसको काम कराता था, लेकिन जब उस मामले को हम संज्ञान में आया तो उस चीजों को जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत हम लोगों ने लगने का सर ये पुल निर्माण कब से स्टार्ट हो जाएगा, वही तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि पुल का टेक ओवर जैसे रोड का टेक ओवर हुआ उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई और वो प्रक्रिया शुरू होने के बाद पुल निर्माण विभाग में से भी उसका बाजाबता स्वीकृति मिला, स्वीकृति मिलकर उसको पुल निर्माण विभाग को भेज दिया गया लगभग 7-6 करोड़ समथिंग लाख का और उसका टेंडर भी हो गया है, पेपर में भी दो अभी एक दो रोज पहले आ गया है, तो हमें लगता है कि उसके टेंडर की जो प्रक्रिया का जो ड्यू डेट है अभी इस माह के लास्ट तक 1 तारीख को लगता है कि वो क्या है जी, देखे